लास्ट मिनट टच जिसको दिए जाते हैं, एक पत्नी पति के लिए करती है, वैसा एक खूबसूरत फोटोग्राफ है ऋषि सुनक और उनकी पत्नी पत्नी का। और हाल ही के दिनों में उनकी पत्नी आई थी, जब उनकी माँ को पद्म सम्मान मिला था, पद्म सम्मान मिला था, और पद्म सम्मान के वक्त जो है इनकी पत्नी आई ऋषि सुनक की, फर्स्ट लेडी है इंग्लैंड की, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे की पंक्ति में बैठी थी, विदेश मंत्री के बुलाने पर भी हिचक कर वो आगे की पंक्ति में गई। इसे कहते हैं सहजता, सरलता। मैं सीधे अजय जैन साहब के पास चलता हूँ। अजय जैन साहब, एक बार फिर आपसे ऑनलाइन मिल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, और मजा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि बाइडेन साहब आए हुए हैं, प्रधानमंत्री निवास यानी लोक कल्याण मार्ग में बैठे हुए हैं। क्या क्या उम्मीद है, खासतौर पर H-1B वीजा को लेकर? स्टैंपिंग की दिक्कतें दूर की गई है, क्या प्रोसेस और ज्यादा बेहतर बनेगी, भारतीयों को नए अवसर मिलेंगे अमेरिका में? बिल्कुल, ये भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे यहाँ से रिश्ते, और भारत एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के आ रहा है, जहाँ पे भारत और अमेरिका जो है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक नई नई रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जहाँ तक H-1B का सवाल है, H-1B के मुद्दे पर सभी भारतीयों को परेशानी होती थी जब उन्हें स्टैंपिंग करने के लिए इंडिया जाना पड़ता था। ये जो है ये मेरी रिकमेंडेशन थी, और उसके ऊपर प्रेजेंट बाइडेन और स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया, और ये अब स्टैंपिंग जो है US में शुरू हो रही है। ये बहुत बहुत रिलीफ देगी लोगों को। इसके अलावा आज अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट जो है इस साल इंडिया से US पढ़ने आ रहे हैं, तो पहले उनको स्टूडेंट को वीज़ा अपॉइंटमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए प्रेजेंट बाइडेन ने रूल चेंज करके ये किया है कि आपकी कॉलेज की एडमिशन डेट से 1 साल पहले तक आप कभी भी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा पे स्टैंपिंग आप करवा सकते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स को बड़ी रिलीफ मिली है। कोविड के टाइम में US में आने के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट में काउंसलेट की ऑलमोस्ट 900 डेज तक का वेटिंग पीरियड चला गया था, जो कि अब एम्बेसडर एरिक गार्सेती के वहाँ पहुँचने के बाद ये रिड्यूस होकर 2 महीने या 3 महीने का हो गया है। तो अब लोगों को वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा हो या चाहे घूमने आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा हो, उनके अपॉइंटमेंट मिलना बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बैकलॉग का जो इश्यू है वो भी प्रेजिडेंट बाइडेन की प्रायोरिटी की लिस्ट में है। जब प्रेसिडेंट बाइडेन और मोदी जी वहाँ बैठेंगे तो उसके वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा होगी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चर्चा होगी। US जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग की डिपेंडेंसी जो है चाइना और उसके ऊपर कम करना चाहता है, तो इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के में वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है। इंडिया जो है वर्ल्ड फार्मेसी, जो मेडिकल जो हमने कोविड में देखा किस तरह से इंडिया ने जो वर्ल्ड को सपोर्ट किया कोविड वैक्सीन के थ्रू, तो US के और इंडिया के रिलेशनशिप जो है हेल्थ केयर में भी ग्रो होने की अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। US और इंडिया में, US की यही चाहेगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी रशियन वेपन्स पे उस पर कम हो, और US वेपन्स हो उसके ऊपर वहाँ पे, और उनका अपना अपना कॉपरेशन हो, चाहे लेटेस्ट फाइटर जेट्स हो या चाहे ड्रोन्स हो या फिर जो जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो हो, तो ये आने वाले समय में ये रिश्ता और स्ट्रांग होगा, और US और इंडिया रिलेशनशिप जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप वर्ल्ड की वो होगी, पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत संक्षेप पर बहुत सुंदर बात आपने कही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मेजर जनरल JKS परिहार जुड़ चुके हैं, मेरे साथ लखन मेहरोत्रा साहब जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा साहब बने ही हुए हैं, नलिन कोहली जी मेरे साथ हैं। मैं सीधे एक बार फिर से दीपक जी के पास जाऊँगा, और दीपक जी, ये जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये अमेरिका भारत के साथ अब कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो भी डिफेंस के क्षेत्र में, इसे आप किस तरह से देखते हैं और ये भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है? आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था, जो मैंने लिबास पहना हुआ, इतना बता दूं, ये जो गमछा है ये मैंने अरुणाचल प्रदेश में खरीदा था, रुपए में इसके पैसे दिए थे, वो फू जो वहां की करेंसी है उसमें नहीं दिए थे। ये आग डिंगलिंग को मेरी तरफ से बता दीजिए। आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की सर, बेसिस जो इस समय है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के रिलेशनशिप का, उसमें कुछ चीजें बहुत अहम है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास टेक्नोलॉजी है, हमें उस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, भले स्पेस में हो, एजुकेशन में हो, क्रिटिकल एरियाज में हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने एक MOU साइन किया था मार्च के महीने में इसी साल, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप, जिसमें
बूस्ट, हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे चिप मेकिंग में, ये सबसे सिग्निफिकेंट बायलैटरल अग्रीमेंट है सर 2005 की न्यूक्लियर डील के साथ। फिर इस साल जून में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले थे नई दिल्ली में, उनके साथ इंडस्ट्री के लीडर्स भी थे, तो बोले कि भाई हम बात करेंगे स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम, डिफेंस, सेमीकंडक्टर। जिस स्पीड से ये सब हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सर अमेरिका समझ चुका है कि अब भारत पे आप भारत को बुली नहीं कर सकते, अगर आप भारत को नहीं दोगे जो भारत चाहता है वो अल्टरनेटिव ढूंढेगा या खुद बना लेगा, ये आप जानते हैं कि ये अब सारी दुनिया ये जानती है। इसीलिए जो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल था अमेरिका का फॉर एग्जांपल, टोटल कैपिटलिज्म और सरकार इंडस्ट्री की चमची, अमेरिका का मॉडल है सरकार सब कुछ इंडस्ट्री उसकी चमची, चाइना का मॉडल सब कुछ ऑटोक्रेटिक सिस्टम और इंडस्ट्री उसकी चमची, भारत का जो मॉडल है वो पार्टनरशिप का है सर, दिस इज द बेस्ट मॉडल। और आज 200 देश G200 जितने सदस्य हैं सब यही कहते हैं अपने दिल से, उनके दिल की आवाज है कि हमने चुना है, वी हैव चोजन इंडिया एज आर मॉडल, यही है राइट चॉइस बेबी जी, बिल्कुल राइट चॉइस। और मैं आऊंगा एक बात आपको और